गांव के शहीद शिवराम गुर्जर पुलवामा हमले के जो मास्टरमाइंड थे कामरान गाजी, उनको ढेर किया था। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है टिब्बा गांव में। वहीं पर उनके साथ जो ऑपरेशन में रहे थे वो हमारे साथ हैं। उन्हीं की जुबानी आज हम जान लेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो ऑपरेशन रक्षक चलाया था उसमें किस तरह से जाँबाजी का काम किया, फिर उसी दौरान वो शहीद हुए थे, उनसे ही हम जानते हैं। सर, जो ऑपरेशन रक्षक नाम दिया गया था, कामरान गाजी को ढेर किया था, अन्य मिलिटेंट भी थे वहाँ पर, उनको किस तरह से ढेर किया? देखिए, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक किया जैसे मोहम्मद के मिलिटेंट आदिल अहमद डार ने, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद में जो पाकिस्तान से जो मिलिटेंट आए थे अब्दुल रशीद गाजी और कामरान, उनके साथ जो एक लोकल मिलिटेंट था बिलाल, वो तीनों जहाँ छुपे हुए थे उनको 55 औरों ने घेरा, और उसकी एक पार्टी के कमांडर थे हौलदार शिवराम और मेजर डोंडियाल। और जब सर्चिंग स्टार्ट की गई तो घर से सिविलियन निकाले, बाहर निकाले कि उनको सेफ रखा जाए। उस दौरान उन मिलिटेंटों ने उनके ऊपर हमला किया दो तरफ से, हमारी जो कंपनी कमांडर साहब और उनकी जो पार्टी थी उसके ऊपर हमला किया, और उस हमले का उन्होंने जवाब दिया, और उस जवाब के दौरान उन तीनों मिलिटेंटों को वहीं ढेर किया है। और उस दौरान मेजर डोंडियाल, हवलदार शिवराम, सिपाही हरी सिंह और सिपाही अजय को ज़्यादा इंजर्ड चोटें लगी थी, और वो उसमें शहादत देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी कि उनको मारने में वो शहीद हुए, और उनको बचाने के लिए आर्मी की तरफ से जो पार्टियां उतरी उसके बाद भी उनको दो तीन ऑफिसर्स को और दो तीन जवानों को इनको निकालने में, इनको बचाने में चोटें लगी हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया उस पुलवामा अटैक जैसे जघन्य अपराधी जो थे, उसके जो मास्टरमाइंड थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया, और अपना सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया, शहादत पाई उन्होंने। जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में शहीद हुए, क्या तुरंत डेड स्पॉट हुए थे या फिर उनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे? नहीं, उसमें क्या है कि ऑपरेशन में जो इनको बाहर निकाला गया उस दौरान, मैंने आपको बताया पहले भी कि और ऑफिसर्स को और जवानों को, उस पार्टियों को भी इंजरी हुई हैं, उन्हें मतलब चोटें लगी हैं। और उसके बाद में ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि वो रास्ते में ऑन स्पॉट तो नहीं थे, उस टाइम तो हम ये देखने की परिस्थिति में नहीं थे कि कौन जिंदा है और कौन शहादत पा चुका है। लेकिन ऑपरेशन जब तक बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ उनको शहीद घोषित कर दिया गया था। ये थे हमारे साथ रविंदर सिंह, जो उस ऑपरेशन में भी साथ थे, और जो उस रक्षक ऑपरेशन था उसमें को अंजाम पूरा किया गया था, लेकिन इन्होंने वीरगति प्राप्त की। पुलवामा हमले में शहीद हुए खेतड़ी के टिब्बा गांव के शिवराम गुर्जर की मनाई पुण्यतिथि। टिब्बा गांव के शहीद शिवराम गुर्जर की 30वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम के शहीद की वीरांगना सुनीता देवी का दर्द आंसुओं में छलक पड़ा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सांसद से लेकर सरपंच तक, कलेक्टर से लेकर ग्राम सेवक तक कोई भी मौजूद नहीं था। प्रशासन व सरकार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। शहीद वीरांगना सुनीता देवी ने भी इस दौरान अपना दुख व्यक्त किया। वही टिब्बा गांव में शहीद शिवराम गुर्जर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। टिब्बा गांव में शहीद शिवराम गुर्जर की पुण्यतिथि के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। खेतड़ी के टिब्बा गांव खेल ग्राउंड में हरियाणा व राजस्थान से आए एथलीट द्वारा विभिन्न गतिविधियों में दौड़ करवाई गई। इस दौरान बुजुर्गों ने भी दौड़ का हिस्सा लिया, जिसमें अलवर से आए गजेंद्र सिंह प्रथम स्थान रहे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए सभी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया गया। ज्ञात है कि हर वर्ष की तरह शहीद शिवराम गुर्जर की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पास रीट की और बीएड की दोनों डिग्रियां हैं, और मतलब रही बात है शहादत पर, मतलब आज उनकी 3री पुण्यतिथि है, तो मतलब उस पर कोई भी नेता है वो श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे हैं। मेरी नौकरी का तो वो मतलब क्या करेंगे और क्या देंगे मुझे, और दोनों मार्कशीट है ना वो मेरे पास हैं, कौन मुझे नौकरी देता है? मैं दोनों मार्कशीट अवेलेबल करवाऊँगी उनको। शहीद की शहादत पे क्या कहेंगे आप?
शहीद की शहादत पर मुझे गर्व है, लेकिन जो नेता लोग हैं इन पे मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा है कि मतलब ये नहीं तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी बात, 3 साल से मैं ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई हूँ। बीएड करके मैं घर में बैठी हूँ 3 साल से। शहीद शिवराम गुज्जर की तीसरी पुण्यतिथि टिब्बा गांव में उनके जो स्थल था वहाँ पे आयोजित की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं भी शहीद को नमन करने यहाँ पहुँचा हूँ शहीद परिवार के साथ में। और शहीद शिवराम गुज्जर 18 इसको तारीख को शहीद हुए थे पुलवामा में, जो कामरान काजी जो बड़ा आतंकवादी था उसको मार गिराया था और देश के लिए शहीद हो गए थे। आज उनकी याद में शहीद शिवराम खेल स्टेडियम में भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 1600 मीटर में भी, और उससे छोटी दौड़ भी हुई थी, लड़कियों की दौड़ भी हुई थी। बहुत ही संख्या में खिलाड़ी यहाँ दौड़ के लिए आए थे शहीद को नमन करने के लिए। और इससे प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय में, अब शहीद को 3 साल हो गए हैं, तो जब भी शादी ब्याह हो गांव में तो शहीद को नमन करना चाहिए, देवता के रूप में पूजना चाहिए। जब भी कोई युवा भर्ती में जाता है तो शहीद को नमन करके जाए, जिससे उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। को नमन करता हूँ कि इस प्रतियोगिता में श्री शिवराम गुज्जर जो शहीद हैं, जब तक सूर्य चांद रहेगा भाई का नाम हमेशा अमर रहेगा। और ये प्रतियोगिता कराने वाले को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और मेरे युवा साथी है ना, ये आज इस ग्राउंड से संकल्प लेके जाएंगे, चुरी गुटखा शराब का नशा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, आज भी आप बच्चों जैसी दौड़ लगा रही है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, बहुत बढ़िया रहा। ये तो प्रतियोगिता है, हर चीज होती रहती है इसमें। क्या आप प्रैक्टिस की है? नहीं, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, पहले भी कभी दौड़ की है? हाँ, दौड़ तो करते रहते हैं, बहुत बार आते हैं सब। हाँ, दौड़ करते रहते हैं। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश दे रहा हूँ कि अभी से इन बच्चों को प्रैक्टिस करना जारी रखना चाहिए। आगे अंतर्राष्ट्रीय में जब जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब देती है इनको। हाँ।